सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण वैष्णव है। सर कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान भीलवाड़ा जिला। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं शिव जी की भी भक्ति साधना करता था और हनुमान जी की भी भक्ति साधना करता था, उपवास भी रहता था नवरात्रा में। उसके बाद मैंने मधु परमहंस जी से नाम दीक्षा भी लिया था, ये भक्ति साधना मैं करता था। सर आपने मधु परमहंस जी से कितने साल तक नाम दीक्षा ली और उन्होंने आपको क्या भक्ति विधि बताई? सर मधु परमहंस जी से नाम दीक्षा लेकर मुझे 2 साल भक्ति साधना किया था और वो भ्रंग मता बताते थे, वो भंवरे की जैसे आवाज़ कान में किया था, तो उस भक्ति से मुझे कोई लाभ नहीं मिला और मैं ज़्यादा नशा करने लग गया, गांजा भी पीता था और ड्रग्स लेने लग गया था। भक्ति करते करते मैंने उनसे नशा छोड़ने के लिए भक्ति के लिए गया था, लेकिन नशा मेरा ज़्यादा बढ़ गया था। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? सर मैं जब महाराष्ट्र में मेरा बिजनेस था तो वहाँ मुझे मधु परमहंस जी की भक्ति साधना करते करते 12 लाख रुपए का लॉस हो गया था। तो फिर मैं गांव में आ गया राजस्थान में, वहाँ मुझे मेरा एक मित्र था जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करता था, वो मेरा बचपन का मित्र था। उसने मुझे बोला कि परमात्मा इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं और आप भी वहाँ चलो, आपका सब कुछ सही हो जाएगा और आपका नशा भी छूट जाएगा। तो फिर मैं उनके साथ दिल्ली गया, मुंडगा में संत रामपाल जी महाराज का आश्रम था, वहाँ से नाम दीक्षा लिया और उनके नियम भी मैंने देखे, फिर वो नियम मैंने फॉलो किए, उससे मेरा नशा छूट गया। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि आपने मुंडगा दिल्ली से नाम दीक्षा ली, सर आपने नाम दीक्षा कब ली संत रामपाल जी महाराज जी से? सर मैं 14/7/2017 में जुड़ा। लेकिन सर उस टाइम तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में थे। हाँ संत रामपाल जी महाराज जेल में थे, वो मुझे पता था, फिर भी मैंने उनसे जो नाम दीक्षा ली वो मंत्रों के जाप से मेरा धीरे धीरे। सर आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि आप एक ऐसे संत से नाम दीक्षा लेने जा रहे हैं जो भी जेल में है, कि आपको ये नहीं लगा कि आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तो भी आपका नशा छूट जाता? सर मुझे अजीब तो लगा था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं आत्महत्या करने वाला था, लेकिन वो मेरा जो कर्जा था वो 10-12 लाख रुपए और मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा था उस समय, और उस समय संत रामपाल जी महाराज ने मेरा हाथ पकड़कर मतलब मुझे नाम दीक्षा दिया, तो उससे मुझे धीरे धीरे 4 महीने में संत रामपाल जी महाराज ने सपने में आकर कहा कि बेटा तू जहाँ पर बिजनेस करता था वहाँ चला जा, और मैं आज वहीं पर बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे 12 लाख रुपये का कर्जा भी चूक गया है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। हाँ संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद आज मुझे 2 साल हो गए हैं, आज मुझे 1 भी रुपया किसी को देना नहीं है। और क्या क्या लाभ हुए? और सर मुझे मानसिक लाभ हुए, मैं मानसिक परेशानी में, नशे से मानसिक परेशानी में था जिस कारण से मेरे घर में क्लेश हुआ करता था, और भूत प्रेत की भी मेरे वाइफ को परेशानी थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद दूर हो गई। सर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में भूत प्रेत की बाधा से संबंधित ही बड़े बड़े मंदिर हैं, मेहंदीपुर बालाजी और भी बहुत सारे संत हैं, महंत हैं, आपको इन सभी संतों को, इन पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ा, इसकी वजह क्या है कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिला, यहाँ से लाभ नहीं मिला? सर मैं और भी संतों के पास और देवी देवताओं के पास गया था, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला और मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उसके बाद भी मैंने एक शिव जी के जो भक्त है वो काशी विश्वनाथ के वहाँ से हैं, उनसे भी नाम दीक्षा लिया, तो वहाँ से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरी परेशानी बढ़ती ही गई। इस कारण से फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक जीने की राह मिली, वो पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि भाई गुरु जी उसमें बताते हैं कि भाई संत गुरु झूठे गुरु को त्यागने से कोई पाप नहीं लगता है, और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की और उनके बताई हुई भक्ति साधना करने लगा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। सर नशा हमारे देश में बहुत बड़ी एक समस्या है जो आज के दिन युवाओं के अंदर घर करती जा रही है। सर सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है, लेकिन सर उसके बाद भी लोगों का नशा नहीं छुड़वा पाती है। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी क्या जड़ी बूटी देते हैं, क्या दवाई देते हैं जिससे लोगों का नशा छूट जाता है? सर आजकल सरकार खुद नशे के लाइसेंस इश्यू करती है, वो नशा क्या बंद करवाएगी? संत रामपाल जी महाराज है जो नशे के बारे में पूर्ण जानकारी बताते हैं कि नशे की उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस प्रकार से ये हमें आध्यात्मिक और मानसिक तरह से बीमार करता है।
इस जानकारी की वजह से मेरा भी नशा दूर हुआ। और मैं सभी युवा भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित जीने की राह पुस्तक में नशे के बारे में पूरा विवरण दिया गया है कि वो नशे से गधे और घोड़े भी नफरत करते हैं और अपने को परमात्मा ने मानव जीवन दिया है। तो उस जीने की राह पुस्तक से मुझे नई जीने की राह मिली और मेरा नशा भी छूट गया। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, मैं एक प्रार्थना करूँगा सभी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझे और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन का कल्याण करवाएं। यही मैं मानव समाज से और संपूर्ण विश्व से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और उनके ज्ञान को समझे। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर।